हेलो एवरीवन, कैसे हो? सो एवरीवन, आप लोगों ने कभी भी ये सोचा है कि आपकी लाइफ में जो भी है आजकल, मतलब आप जो भी चाहते हो, लेट इट बी बीइंग रिच, लेट इट बी बीइंग सक्सेसफुल, लेट इट बी गोइंग फॉरेन, लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी बीइंग द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ योर कॉलेज, लेट इट बी बीइंग अ फिल्म स्टार, एनीथिंग, ओके, व्हाटएवर यू वांट यू कैन गेट इट. हैव एनीवन अर्लियर टोल्ड यू? नहीं बताया तो मैं बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है लिटरली, एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है. आई एम नॉट जस्ट, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर चला रही हूँ. नो, मैं विद फैक्ट्स बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसा होता है. यू नो, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ बुक जो कि मेरे फादर ने मुझे रिकमेंड की थी व्हेन आई वाज इन क्लास 9. सो दैट बुक इज बेसिकली द सीक्रेट बाय ऑथर रोंडा बर्न, मैजिक. ओके, आई एम टेलिंग यू अबाउट द पार्ट मैजिक ऑफ द सीक्रेट बुक. यस, सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस बुक? आई मीन, व्हाट मेक्स दिस बुक सो स्पेशल दैट आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल दिस? ओके, सो जैसे इस बुक का टाइटल मैंने आपको बताया, द मैजिक. मैजिक वर्ड सुनते आपके माइंड में क्या आता है? जादू, चमत्कार, राइट? सो दैट्स एक्जैक्टली व्हाट इट इज. ये बुक आप लोगों को ये रियलाइज करवाएगा कि इस दुनिया में सच में चमत्कार होते हैं. यस, इट विल मेक यू रियलाइज. मैं ऐसे ही नहीं बोल रही गाइस, व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज ऐसा हुआ है मेरे साथ. मतलब मैंने खुद ने जो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि भाई सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब तो मुझे नहीं मिलेगा. मतलब एक टाइम था जब कुछ ऐसी चीज हुई और फिर आई डोंट नो, सिर्फ इस बुक के स्टेप्स फॉलो करने से मुझे वो चीज मिल गई. कैन बिलीव इट? मतलब आई कांट शेयर व्हाट इट इज, मतलब बता सकती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा. सो रहने देते हैं, इस बुक के बारे में बात करते हैं, राइट? सो ये बुक बेसिकली हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस है. हिंदी में बोले तो आकर्षण का सिद्धांत. इस बुक में एक्चुअली यही बताया है पूरे टाइम कि हर चीज, हमें जो भी चाहिए, हम हासिल कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. यस, दिस बुक टेल्स अस दिस ओनली, एंड इट हैपेंस. यू नो, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जाने अनजाने में सही, बट हुआ है. आप लोगों ने ये फील किया, यू हैव नॉट रियलाइज इट, बट यू हैव फेस्ड इट. जैसे कि अगर मैं बताऊं आप लोगों को, स्कूल टाइम की बात याद करो, कभी आपने स्कूल टाइम में ऐसा सोचा कि प्लीज 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 आज फिजिक्स का सर नहीं आए, प्लीज 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 आज मैथ्स का टेस्ट नहीं हो? मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग से सोचा है. या पिछले दो दिन से सोच रहे हो, प्लीज आने वाले फ्राइडे को जो मैथ्स का मिनी टेस्ट है वो नहीं, प्लीज नहीं आए, कुछ भी आप ऐसे सोच रहे हो, और अचानक से आप फ्राइडे को पहुंचते हो स्कूल में और आपको पता चलता है कि वो टेस्ट कैंसिल हो गया. हुआ है ना ऐसा? मुझे पता है ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है. एंड ये चीज़ तो पक्का हुई होगी आप लोगों के साथ कि कुछ सालों से आप लोगों ने किसी दोस्त से बात नहीं की, और अचानक से आप लोग, आपका मन करता है कि उससे बात करूँ, कोई भी फ्रेंड हो, उससे बात करनी है यार, और आप दो तीन दिन से सोच रहे हो उसके बारे में बात करनी है यार, उसको मैसेज करना है, और अचानक से उसी का मैसेज आ जाता है या उसका कॉल आ जाता है या वो इंसान आपके सामने प्रकट हो जाता है. एंड यू से यार, तू तो 100 साल जिएगा यार, मैं तो तेरे बारे में अभी सोच रही थी, ऐसे बोलते होता है ना, पक्का होता है ना? बिकॉज मेरे साथ हुआ है लिटरली, दो तीन बार हुआ है, मैं ऐसा किसी के बारे में सोचती हूँ और खुद ही मेरे सामने आ जाता है. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज. हम जितनी भी चीज़ें हमारे पास में, हमारे आसपास, हम जिस भी हाल में आज, हम सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं. एवरीथिंग वी डू, एवरीथिंग वी हैव इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और अगर हमें पता चल जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे यूज करना है, सो दैट हमारा फ्यूचर, हम जो भी चाहते हैं बनना, जो भी लाइफ के साथ चाहते हैं, वेदर यू वांट टू फाइंड समवन हु लव्स यू, वेदर यू वांट टू लीड अ लग्जरी लाइफ, वेदर यू वांट टू हैव अ लाइफ जिसमें आप अपने फैमिली को खुश देखना चाहते हो, ऑल विल बी देयर. मतलब हर कुछ, यू नो, यू कांट इवन इमेजिन कि आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में कंप्लीट कर सकते हैं, पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बुक को पढ़ने से. सच में, आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, मैं बिल्कुल फॉल्स जज, मैं नहीं बता रही हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ यहाँ पे सब कुछ सच है. बिकॉज मैं तो देखो थकूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं थकूंगी. आप मुझे 10 मिनट दो, आप मुझे चाहे 2 घंटे दो, मैं इस बुक के बारे में बोल सकती हूँ, कितना है बोल सकती हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो प्रूव करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है. ओनली वांट टू रीड दिस बुक, टू ट्राई दिस आउट वंस एट लीस्ट, एंड देन आफ्टर रीडिंग दिस बुक सक्सेसफुली, जस्ट लेट मी नो कि आप लोगों को इस बुक के अंदर क्या ऐसा अच्छा लगा. आई मीन, क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी लाइन है जो आप लोगों को सबसे अच्छी लगी इस बुक के अंदर? अगर आप मुझे पूछे तो मुझे इस बुक की सबसे अच्छी लाइन लगती है कि अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ कैसे होगी तो आपको दिखाई जाएगी. वट बेसिकली मीन्स इज कि अगर आपको नहीं, अगर सपोज करो कि मैं मर्सिडीज के अंदर घूमना चाहती हूँ 5 साल बाद, मैं चाहती हूँ कि मैं मर्सिडीज के अंदर ट्रैवल करूँ, मेरी खुद की मर्सिडीज हो 5 साल बाद, और अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं ही सोच रही हूँ कि कैसा होगा, अरे यार ये कैसे होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे जॉब मिली कि नहीं, एंड ऑल दैट. ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना. अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको आपकी विश कैसे पूरी होगी, तो आपको दिखाई जाएगी. यूनिवर्स अपने आप में इतनी सारी सिचुएशंस पैदा करेगा जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे.